हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन। आज मैं आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है सॉल्यूशंस। एंड आई होप दैट आपने फर्स्ट चैप्टर दी सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड यू हैव थॉरली रीड द चैप्टर। प्लीज़ यू रीड द चैप्टर बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल केमिस्ट्री इज़ मेनली बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स फॉर ISC एग्जामिनेशन। ISC एग्जाम्स में हम लोग को मेनली फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट से सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आप लोग प्लीज़ न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कीजिएगा, एग्जाम्पल्स रीड कीजिएगा और जो नहीं समझ आए वो लिख लिख के प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिएगा। इसी से आप लोगों का हैबिट बनेगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग सॉल्यूशंस चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन फार्मूलाज, फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस, देयर प्रॉपर्टीज, मिक्सचर्स एंड एक्सेट्रा, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये चैप्टर में भी न्यूमेरिकल्स ही है और आप लोग न्यूमेरिकल्स करते रहिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, सॉल्यूशंस। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है। ए ट्रू सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस हुज कॉम्पोजिशन कैन बी वेराइड विद इन सर्टेन लिमिट्स। एक ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मतलब सेम काइंड ऑफ सब्सटेंसेस वो कंटेन करता है, जो कि फिजिकली एक दूसरे से डिफरेंट देखने में नहीं होती। ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, जिसका कॉम्पोजिशन वेरी कर सकता है, जिसमें हम लोग एक सब्सटेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ए सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ टू कॉम्पोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन जिसमें टू काइंड्स ऑफ कॉम्पोनेंट्स रहेंगे, उसे हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। बाइनरी मतलब टू। सॉल्युबिलिटी, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स that can be dissolved in 100 grams to form a saturated solution of at a definite temperature. Solubility of a solute matlab koi bhi solute 100 gram of solvent mein dissolve karke jab saturated solution banata hai ek definite temperature pe, ek particular temperature pe, tab us solute ka किस मात्रा में डिसॉल्व होना ही सॉल्युबिलिटी कहलाता है। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट क्या होता है, उस कंपोनेंट का कितना प्रतिशत मास 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में है। एक सॉल्यूशन जो कि दो या तीन सब्सटेंसेस के मिक्सचर से बना हुआ है, उसमें से कोई भी एक कंपोनेंट का कितना मास 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में है, उसे हम लोग मास परसेंटेज कहते हैं। जैसे कि हम लोग ने ले लिया एक सॉल्यूशन जिसमें कंपोनेंट्स है ए और बी, तो मास ऑफ ए मींस मास परसेंटेज ऑफ ए इक्वल्स टू मास ऑफ ए by mass of A plus mass of B into 100। इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, mass percentage of A in that solution। weight by volume percentage, it is the amount of solute in grams present in 100 milliliter of solution। weight by volume percentage, weight of solute by volume of solution से compare किया गया एक property है। इसमें वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किया जाता है। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट हम लोग ग्राम में लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में लेते हैं, इनटू 100 करते हैं। अब अगर हम लोग का सॉल्यूट केजी में दिया हुआ है, तो हम लोग को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में कन्वर्ट करना होगा, और अगर ये मिलीलीटर में है तो इसको ग्राम में चेंज करना होगा। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि न्यूमेरिकल्स करते टाइम आप लोग यूनिट्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। SI यूनिट में है तो SI यूनिट में कीजिए, ग्राम में है तो मिलीलीटर में कीजिए। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम से कंपेयर किया गया एक प्रॉपर्टी है। इन केस ऑफ लिक्विड डिसॉल्व्ड इन अनदर लिक्विड द कंसेंट्रेशन इज यूजली एक्सप्रेस्ड इन वॉल्यूम परसेंटेज। एक लिक्विड को जब दूसरे लिक्विड में मिलाया जाता है
तब उस प्रॉपर्टी का कंपैरिजन हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज के द्वारा करते हैं. वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन मे बी डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट हम लोग डिफाइन करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एक कंपोनेंट बाय 100 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन मतलब वो वाला मिक्सचर जो कि दोनों कंपोनेंट, दोनों लिक्विड के कंपोनेंट को अपने अंदर मिलाता है, मतलब दो लिक्विड्स को मिला के जो हम लोग को मिक्सचर मिलता है दैट इज़ कॉल्ड द सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ ए बाय वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इंटू 100. पार्ट्स पर मिलियन इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कॉम्पोनेंट्स पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन. पार्ट्स पर मिलियन मतलब एक कॉम्पोनेंट का कुछ नंबर ऑफ पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स ऑफ दैट सॉल्यूशन. मतलब ppm ऑफ कॉम्पोनेंट इक्वल्स टू मास ऑफ कॉम्पोनेंट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10^6. ये ppm का यूज़ हम लोग ज़्यादातर कब यूज़ करते हैं, एयर में कितना प्रतिशत पॉल्यूशन है, ये सब क्वांटिटीज़ को फाइंड करने के लिए हम लोग पार्ट्स पर मिलियन यानी कि ppm का यूज़ करते हैं. स्ट्रेंथ इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट dissolve per liter of solution. Strength of solution equals to weight of solute grams by volume of solution liter. Strength मतलब concentration. हम लोग कई बार ये बात सुने हैं ना कि सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में कितना कंसनट्रेटेड है, ये सब मात्रा है हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी होता है. मतलब स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जानना हमारे लिए ज़रूरी है. तो स्ट्रेंथ को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, स्ट्रेंथ मतलब होता है नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट कितना लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है. तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स में बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में. नॉर्मेलिटी, ये सब जो कुछ डेफिनेशंस है ना ये हम लोग स्टोइकोमेट्री में भी पढ़े हुए हैं. तो आई होप यू नो ऑल दीज बिकॉज दीज डेफिनेशंस वेर ऑल्सो इन आवर क्लास 11 सिलेबस. नॉर्मेलिटी इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट वेट तो पढ़े हुए हैं 11 में एंड आई होप यू रिमेंबर दैट. इफ यू डोंट देन प्लीज सेंड मी अ कमेंट, आई विल श्योरली मेक अनदर वीडियो ऑन दैट. नॉर्मैलिटी इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट ये एक तरह का क्वांटिटी है. इस क्वांटिटी को सॉल्यूशंस पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस में कितना मिलाया गया है उसे नॉर्मेलिटी कहते हैं. कैपिटल एन से इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, इट इज़ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ये ग्राम्स में है, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ये जो फार्मूला है ना ये फार्मूला आप लोग प्लीज़ लर्न कीजिएगा, इसलिए मैंने इतना अच्छे से आप लोग को लिख करके दिखाया है. मोलैरिटी इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. जैसा कि मैं जान रही हूँ कि मोल्स मतलब आप लोग को पता है लेकिन एक बार फिर भी मैं बता देती हूँ आप लोग को, मोल्स मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस का AMU को हम लोग मोल कहते हैं. आई मीन टू से दैट जैसे कि सोडियम क्लोराइड का मास हम लोग को कितना है 23, तो हम लोग कहते हैं 23 ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल. ओके, तो कैपिटल एम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर. इसको मोल पर लीटर का यूनिट में जाना जाता है, ठीक है ना, मोल पर लीटर. फॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ एन आयोनिक सॉल्यूट. आयोनिक सॉल्यूट का ग्राम फार्मूला मास, ग्राम फार्मूला मास मतलब जो फार्मूला है उसका मास. जैसे कि सोडियम क्लोराइड का क्या है 23 + 35.5, तो उस वो है उसका ग्राम फार्मूला मास. ओके, डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, एक लीटर ऑफ सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी. कैपिटल एफ इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर. नाउ मोलैलिटी, मोलैलिटी का रिप्रेजेंटेशन हम लोग स्मॉल एम से करते हैं. ये भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है डिसॉल्व पर 1000 ग्राम, दैट इज 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है ना, मोलैरिटी में हम लोग ने लीटर यूज़ किया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में
मोलैरिटी को डिफाइन किया था, बट मोलैलिटी इज डिफाइंड इन 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट में डिफाइन किया जाता है और वो लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिफाइन किया जाता है. सो स्मॉल एम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में. मोल फ्रैक्शन एक बहुत ही जाना माना एकदम प्रॉपर्टी है, ये तो आप लोग को पता ही होगा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कॉम्पोनेंट्स टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन. मोल फ्रैक्शन क्या होता है ना, मोल फ्रैक्शन को हम लोग कैसे निकालते हैं, मैं एकदम इजीली आप लोग को समझा देती हूँ. जितना मोल्स हम लोग को प्रेजेंट है बाय एन मतलब बाय उसका नंबर, उसका जो मेन जो मास नंबर है उससे डिवाइड करके हम लोग को मोल का उसका फ्रैक्शन निकल जाता है, ठीक है ना. उसके बाद टोटल से हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्पोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स करने से इजिली हम लोग का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा फॉर द पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट. ओके, हेनरीज लॉ. एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस. एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मतलब एक स्थिर टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जो गैस कितना सॉल्युबल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस. मतलब उस गैस पे जितना प्रेशर डालिएगा ना उतना वो सॉल्युबल हो जाएगा. दैट इज सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस. गैस पे कितना प्रेशर डाला गया है. Solubility of a substance in a particular solvent at a particular temperature is the maximum quantity of the substance dissolved in a fixed quantity of solvent to form a saturated solution at that temperature. जैसा कि मैंने आप लोग को समझाया था, solubility मतलब कोई भी एक particular solvent में एक particular temperature पे कितना क्वांटिटी, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी हम लोग एक सॉल्वेंट में मिला सकते हैं जिससे कि हम लोग को सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिले. दैट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूट. ओके, तो सॉल्युबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोग को बता दूँ कि जो हम लोग सॉल्यूट लेते हैं ना, सॉल्यूट का रिप्रेजेंटेशन हम लोग N2 से करते हैं. सल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स हम लोग N2 से दिखाते हैं और N1 होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. दैट्स और N1 प्लस N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. सो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं N2 बाय N1 प्लस N2 से. And that is X2, that is the mole fraction of solute. तो solute का जो मोल फ्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, प्रेशर से. तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग जानते हैं, हटाने के लिए हम लोग को एक कॉन्स्टेंट यूज करना पड़ता है. तो X इक्वल्स टू KH इंटू P. ये जो KH है ना, ये KH है हेनरीज कॉन्स्टेंट, ठीक है. नाउ वट इज वेपर प्रेशर. The pressure exerted by the vapor of a liquid at a particular temperature in a state of dynamic equilibrium. ये बहुत भारी भारी शब्द है, मैं आप लोग को इजिली समझा दे रही हूँ. The pressure exerted by the vapor of a liquid. जो liquid होता है, suppose हम लोग जैसे पानी उबाल रहे हैं, पानी जब हम लोग उबालते हैं तो पानी उबल के क्या बन जाता है, vapor बन जाता है. जो भाप ऊपर की तरफ उठता है ना, वो भाप का जो प्रेशर होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो उस प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है. और वो स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है. डायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों, बिकॉज इन दैट स्टेट हमारे लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो वेपर बन रहे हैं, इसलिए दैट इज़ इन डायनामिक इक्विलिब्रियम. चल रहा है प्रोसीजर, स्थिर नहीं होगी है, चलते हुए प्रोसीजर पे इक्विलिब्रियम पाने को हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं. उस इक्विलिब्रियम पे हम लोग को जो प्रेशर मिला कोई भी एक वेपर द्वारा, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. जैसे कि मैंने पानी के एग्जांपल को लेकर के कहा, क्योंकि इजिली हम लोग देख पाते हैं ना, पानी जब बॉयल होता है तो उसमें से वेपर निकलता है, उस वेपर का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे प्रेशर को ही वेपर प्रेशर कहते हैं फॉर दैट लिक्विड. वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस ऑन एडिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन इट. ये भी मैं पानी का बड़ा इजीली एग्जांपल से मैं बता सकती हूँ.
जब हम लोग सभी मैगी बनाना जानते हैं क्योंकि वो बहुत ही इजी प्रोसेस से बनता है, तो हम लोग जब पानी में मैगी को मिला देते हैं तब हम लोग को एक वही पानी को उबालने में ज़्यादा टाइम लगता है। ज़्यादा टाइम क्यों लगता है हम लोग को, क्योंकि जब उसमें कोई वो प्योर सॉल्वेंट नहीं रहता, उसमें सल्यूट मिक्स हो जाते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। जैसा कि हम लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक एक वेपर का जो बूंद है टोटल इस सरफेस पे वेपर प्रेशर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मगर जब सल्यूट मिल जा रहा है ना, तो ये सल्यूट वेपर प्रेशर को कम कर दे रहा है, बहुत कम जगह से वेपर प्रेशर बन रहा है, जबकि इधर पूरा जगह से वेपर प्रेशर बन रहा है। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये बात को अच्छे से याद रखें कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज़ ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूशन। इसी पे हमारा बहुत सारा लॉ बेस्ड है। राउलेट्स लॉ फॉर सल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्वेंट्स। वोलेटाइल सॉल्वेंट्स क्या होता है? वोलेटाइल मतलब वो सॉल्वेंट जिसमें वोल्टेलिटी प्रॉपर्टी बहुत ही अधिकतर देखने में मिलती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देखने मिलती है, मतलब वो हाईली वोलेटाइल होते हैं। राउलेट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्वेंट्स। ये जो सॉल्यूशन है इसमें वोलेटाइल सॉल्वेंट्स है जो कि स्थिर नहीं रह पाते, जल्दी कोई भी चीज़ पे प्रोसीजर पे जल्दी एग्जीक्यूशन देते हैं। कोई भी चीज़ जैसे वेपर बन जाना, लिक्विड से वेपर बन जाना, ये सब प्रोसीजर उनके अंदर ज़्यादा जल्दी होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड वोलेटिलिटी वाले सॉल्वेंट्स। फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स दी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कॉम्पोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। कोई भी सॉल्वेंट कितना वेपर प्रेशर देगा उस सॉल्यूशन में, इसको कौन डिटरमाइन करता है? इसको डिटरमाइन करता है उसका मोल फ्रैक्शन उस सॉल्यूशन में। तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ पी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू एक्स। अब बड़ा ही दिलचस्प बात देखिए कि ये कॉन्स्टेंट मैं पी नॉट ले रही हूँ, और ये पी नॉट और कुछ नहीं, ये पी नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हमेशा इक्वल रहता है। कोई भी लिक्विड को, अगर प्योर लिक्विड को हम लोग कोई भी टेम्परेचर पे बॉयल करें तो वो टेम्परेचर हमेशा सेम रहेगा। प्योर वाटर हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बॉयल होता है। ये कांस्टेंट को ही हम लोग राउलेट्स लॉ में बड़ा इजीली इस्तेमाल करते हैं, इस कांस्टेंट को पी नॉट दे देते हैं। अपना हर एक लिक्विड के लिए अलग अलग होता है, लेकिन एक लिक्विड के लिए कभी चेंज नहीं करता, हमेशा सेम रहता है। फॉर बाइनरी सॉल्यूशन पी इक्वल्स टू पी ए इंटू एक्स ए प्लस पी बी इंटू एक्स बी। अच्छा, बाइनरी सॉल्यूशन में मैंने जैसा कि आपको बताया था कि दो तरह के सॉल्वेंट रहते हैं, तो दो तरह के सॉल्वेंट्स का टोटल वेपर प्रेशर कैसे होता है? पी ए इंटू एक्स ए फॉर एक सॉल्वेंट, पी बी इंटू एक्स बी फॉर दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट। दोनों का अपना अपना वेपर प्रेशर को मिला के हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालते हैं। राउलेट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब स्थिर सॉल्यूट जो कि टेम्परेचर के साथ जल्दी चेंज नहीं करते। The vapor pressure of solution containing a non-volatile solute is actually the vapor pressure of a solvent in the solution. Vapor pressure एक ऐसे solution का जिसमें non-volatile solute रहता है, उसका vapor pressure actually solvent द्वारा निकाला जाता है। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि जब भी हम लोग solute डालते हैं तो vapor pressure क्या होता है? कम हो जाता है। कम हो जाने के कारण जो सॉल्वेंट्स होते हैं ना, मतलब ये जो सॉल्वेंट्स रह जाते हैं ना, ये सिर्फ सॉल्वेंट्स ही अपना वेपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। ये है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के होने के कारण क्या हो रहा है? वेपर प्रेशर घट जा रहा है। तो इसमें जो सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल्स हैं ना, यही सिर्फ वेपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब P इक्वल्स टू P सॉल्वेंट। P सॉल्वेंट मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट।
अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी नॉट इंटू एक्स सॉल्वेंट, जैसा कि मैं हम लोग हेनरी लॉ में पढ़ते आए हैं वही हम लोग ने कर दिया, पी नॉट इंटू एक्स सॉल्वेंट। जब हम लोग ये बात भी जानते हैं ना कि एक सॉल्यूशन जो है अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट द्वारा बना हुआ है तो एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट इक्वल्स टू वन। हम लोग जानते हैं सब चीज़ों का मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूशन में कंटेन किया जाता है उन सबको प्लस करके हम लोग को वन मिलता है। यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ें हैं हमारे पास, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो उन दोनों का मोल फ्रैक्शन को जब हम लोग प्लस कर रहे हैं एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट तो वो वन आ रहा है। तो x सॉल्वेंट इक्वल्स टू वन माइनस x सॉल्यूट, तो हम लोग x सॉल्वेंट की जगह हम लोग p नॉट इंटू वन माइनस x सॉल्यूट कर सकते हैं। दैट इज x सॉल्यूट को हम लोग इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, p नॉट माइनस p बाय p नॉट, एंड दिस इज द मेन एंड एक्चुअल राउलेट्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय एन आइडियल सॉल्यूशन? यू कैन हैव मतलब आइडियल सॉल्यूशन का आप लोग आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का हम लोग को ज़्यादातर डिफरेंसेस आ सकता है एग्जाम्स में, स्कूल एग्जाम्स में, ठीक है? तो ये वाला आप देखिएगा, ये कुछ उसी तरीके का है जैसे आइडियल गैसेस और नॉन आइडियल गैसेस होती हैं। इस सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर कम्प्लीटली मिक्सिबल लिक्विड्स इज टर्म्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। Completely mixable liquids मतलब mixable liquids हम लोग मतलब जानते हैं जो कि completely एक दूसरे से मिल जाती हैं, और ये क्या obey करती है, ये Rowlett's law obey करती है at all concentration and temperature मतलब हर तरह की जितना भी quantity में आप इसको मिलाइए और कितना ही इसको temperature में रखिए ये Rowlett's law को हमेशा obey करेंगी। इसका कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे कि कोई भी सॉल्यूशन जो एन हेक्सेन मतलब नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन कंटेन करता है, ठीक है, और इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, चेंज इन वॉल्यूम और मिक्स ऑन मिक्सिंग इज ज़ीरो, दैट इज़ डेल वी मिक्सिंग इक्वल्स टू ज़ीरो, चेंज इन एंथैल्पी। ये सब प्रॉपर्टीज़ हम लोग कहाँ पढ़े, ये सब प्रॉपर्टीज़ हम लोग थर्मोडाइनमिक्स में क्लास 11 में पढ़ के आए हैं, इसलिए मैं आप लोग को इसका विस्तार में नहीं बता रही। Change in enthalpy on mixing is zero. Del H mixing equals to zero. और इसका formula क्या है, pressure, vapor pressure, total vapor pressure equals to P naught A into X A plus P naught B into X B. Non-ideal solutions, solutions which do not obey Rowlett's law. P, total vapor pressure not equals to P A naught X A plus P B naught X B. Change in volume on mixing, del V mixing not equals to zero. And change in enthalpy on mixing, del H mixing not equals to zero. ठीक है, यही है हमारा ideal and non-ideal solutions. So friends, यही था हम लोग का solutions का first part. इसमें भी आप लोग के numericals हैं stoichiometry properties के ऊपर, तो वो आप लोग complete करके रखिएगा. Next class में हम लोग second part पढ़ेंगे जो कि main है. ये मैंने इम्पॉर्टेंट नोट्स लिखे थे, मेरे को लगता है कि ये सब पार्ट्स आप लोग को बताना समझाना और नोट डाउन करवाना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोग को कॉपी में लिख करके समझाने की कोशिश की है, क्योंकि मैं चाहती थी कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए थे अपने क्लास 11 12 के टाइम की, नोट्स नहीं मिलते थे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये सब समझ नहीं आता था, तो वही चीज़ें मैंने अपना ISC कंप्लीट करने के बाद लिख करके समझाने का कोशिश किया है, ये बताने का कोशिश किया कि कितना पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या क्या ISC में आता है, यही सब चीज़ मैं आप लोग को वीडियो के दौरान समझाती हूँ और वही लिखवाती हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है, लर्निंग पार्ट है, समझने वाला पार्ट है, और इसी से न्यूमेरिकल्स भी होता है। सो इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री होता तो मैं आप लोग को ज़रूर बोल करके पढ़ा देती और बुक से ही बता देती कि इतना इतना पढ़ना है, लेकिन मैंने स्पेशली नोट्स बनाए हैं ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े लेंथी चैप्टर्स पढ़ करके, इसलिए मैंने सोचा शॉर्ट्स नोट आप लोग को ज़रूर हेल्प करेंगे। आप कई फ्रेंड्स ने मेरे जो कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं उन्होंने मेरे से पूछा था कि प्लेलिस्ट कहाँ पे, तो प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन आप प्लेलिस्ट के बारे में आप लोग को पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब भी अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम लगता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने www.kathamanthan.blogspot पे आप लोग क्लिक कीजिए, आप लोग उसमें चले जाइए, उसमें आप लोगों को कंप्लीट प्लेलिस्ट सीरीज़ के साथ मिल जाएगी,
प्लस मैंने जो हमारे जो वीडियोस है उसमें ऊपर की तरफ देखिएगा एक प्लेलिस्ट का बटन है, उस पर क्लिक कीजिएगा, उसमें भी आप लोग नाम डालिएगा तो आप लोग को आराम से प्लेलिस्ट मिल जाएंगी आईएससी फिजिक्स कथा मंथन में, आईएससी केमिस्ट्री कथा मंथन में, और जल्द ही आईएससी मैथ्स भी आ जाएगा। तो आप ये सब देख लीजिएगा जब भी आप लोग को प्रॉब्लम हो, और कोई भी प्रॉब्लम और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।